तो फैमिली कैसे है आप लोग? तो जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा है, आई एम फीलिंग मच बेटर। थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, बहुत प्यार से मुझे मैसेजेस भेजे, टेक केयर। तो यस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपके गुड विशेस के साथ। थैंक यू सो मच। अब जो है हम रीडिंग करने वाले हैं DMDF और जर्नी वाली, लेकिन मैं करने वाली हूँ थोड़ी अलग स्टाइल से। इस बार हम लोग जर्नी पर ज़्यादा फोकस करेंगे और जर्नी के ऊपर थोड़ी सी लंबी रीडिंग रखेंगे। तो देखते हैं क्या निकल के आता है जर्नी के लिए। तो चलिए पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड्स निकाले थे। गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है और जब आप लोग इसको देखेंगे तब एप्लीकेबल रहेगा। एक और बात, अगर आप लोग मेरे साथ एक रीडिंग चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस मैं क्रिस्टल्स, रेकी, हीलिंग्स भी देती हूँ। गाइज, कुछ लोगों के रेकी हीलिंग्स किए, उनके जो रिव्यूज़ है आप लोगों को कम्युनिटी सेक्शन में पहले के और अभी के भी कुछ मैं ऐड करने वाली हूँ जो मुझे भेजे गए हैं, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे देखने के लिए। अगर आप लोग मेरे साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं या कुछ भी, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अभी शुरू कर देते हैं हमारा डिवाइन मैस्कुलिन का। देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन के साथ क्या चल रहा है, क्या कार्ड्स निकल के आते हैं हम लोगों के लिए डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए। नहीं, ये कार्ड नहीं निकलना चाहता है, तो थोड़ा और शफिल करेंगे और जो कार्ड्स निकलना चाहते हैं सब उन्हीं को लेंगे। तो ये हो गए डिवाइन। अब मैं क्या सोच रही हूँ गाइज, आज हम लोग सारे कार्ड्स मिक्स करके जो है डिवाइन मैस्कुलिन की रीडिंग करेंगे। तो देखते हैं गिल्डेड टैरो क्या कहना चाहता है डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में। गाइज, आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने बाउंड्रीज बहुत अच्छे से सेट करना जानते हैं, तो वो जानते हैं कि भाई जो गलत है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके साथ रहने के लिए, अगर वो उनके वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है तो वो ज़रूर उसके बारे में सोचेंगे और नहीं करेंगे जो उनको सही नहीं लगता। तो गाइज़, ये मेरे लिए आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया था, मैंने कम्युनिटी पेज में भी डाला उसको, कि जो आपको सही नहीं लगता उसके साथ अग्री करने की और कॉम्प्रोमाइज़ करने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को वो नहीं अच्छा लगता है तो नहीं अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है ऐसा नहीं करने से आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इट्स ओके, वापस भी आ जाएंगे वो, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अगर वापस नहीं आते तो आपकी खुद की हीलिंग, कम से कम प्रायोरिटीज़ और बाउंड्रीज सेट करना सीखे, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को करेज मिलेगा उनके साथ स्टार्ट करने के लिए जो आपको वैल्यू नहीं करते। तो पहले उनको जो है बाउंड्रीज दिखा दीजिए कि अभी हेलो भाई साहब, अब हम जो है हमारे हिसाब से चलेंगे, हमें जो अच्छा नहीं लगता हम वो नहीं करेंगे, सब चीज़ों के लिए हाँ नहीं करेंगे। तो ये सब जो है हमको बाउंड्रीज सेट करने ही पड़ेंगे। ये नहीं लूँगी गाइज मैं कार्ड्स, क्योंकि मैं डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ और डिवाइन फेमिनिन की शफलिंग हो रही है यहाँ पे। तो बाउंड्री सेट करना जो है हमें सीखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इस पर एक टॉक सेशन रख सकती हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि क्या निकल के आता है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। ओके, एंड क्या निकल के आता है इसमें से। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैंने आप लोगों को दिया यहाँ पर, कि बाउंड्री सेट करना डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो कुछ भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। तो ये जो है हम लोग को एंजल्स ने बोला है, इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और गाइस एक मिनट, ओके गाइस, तो इनको मैं ले रही हूँ, ये मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं तो इनको रख ले रही हूँ मैं। तो एक बात इम्पॉर्टेंट है गाइस, जब तक आप सेल्फ लव नहीं जानते तब तक आप अपने लिए बाउंड्रीज भी सेट नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस, जर्नी का जो है मैं बाद में निकालूंगी, पहले डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की रीडिंग कर लेते हैं। मैस्कुलिन का पहले ले लेती हूँ फिर फेमिनिन का लूँगी। मैस्कुलिन आर फीलिंग जेलस, ऑब्वियसली गाइस, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि डिवाइन
फेमिनिन बहुत इंजॉय कर रही है, बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, डिवाइन फेमिनिन को इन डिसीशन में है, क्योंकि गाइस डिवाइन मैस्कुलिन भी वो हैप्पी लाइफ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको वो हैप्पी लाइफ मिले, और वो हमको देख के थोड़ा सा डार्क में देख, खुद को हमको लाइट में शाइन करते हुए देख, उनको लग रहा है हमारे पास तो अबंडेंस है, हम तो खुश हैं, हमारी लाइफ तो अच्छे से जा रही है और हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये सब कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि इनकी लाइफ की कभी न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती, इनके लाइफ में जो है ऐसे ही डार्क में चलेंगे, ये तो बहुत इनडिसिशन में चल रहे हैं ये कि क्या करे, डार्क में ही रहे या द लाइट जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो द ब्राइट लाइट होती है सन की तरह, ऐसे अबंडेंस होती है वो, तो उस उनके पास चले जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे वो है वहाँ पे वो अनरिक्वेटेड लव जो है फील कर रहे हैं, और उनको सब जगह सिर्फ रेड फ्लैग्स ही दिखाई दे रहे हैं, वो जानते हैं कि वो अपने सोलमेट के साथ नहीं है, जिनके साथ उनको होना चाहिए वो नहीं है, और यही जो है उनको बहुत ज़्यादा इनडिसिशन में डाल देता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए ऑप्शन भी नहीं है, वो लोग को लगता ही नहीं है कि वो अपने आप को फ्री कर सकते, वो लोग के पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो लोग अपने आप के लाइफ में एक ब्राइट चीज़ कर सकते हैं, वो लोगों को लगता है कि लोग वो लोग को सारा टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो लोगों को बड़ी पड़ी है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज ऐसा नहीं है, लेकिन इनको कौन समझा, इनको लगता है कि 2400 घंटे नज़रें इनके ऊपर ही है, चाहे ये मतलब इनका इल्यूजन ही क्यों ना हो, क्योंकि लोगों को अपने आजकल के टाइम में गाइस हम लोग के पास क्या टाइम होता है किसी की लाइफ में ताक झाक करने का, पता नहीं इनको कब अकल आएगी। बट एनीवेज जो भी है, ये लोगों को बड़ा लगता है कि सब लोगों की नज़रें इनके ऊपर है, और ये जो भी करेंगे सब इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और ये सब जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनको जब दिमाग आएगा तब समझ में आएगा, नोबडी इज़ बॉदर्ड, किसी को कोई पड़ी नहीं रहती है दूसरों के लाइफ में घुसने की, और पड़ी रहती है तो वो मतलब उनके पास इतना वो दिमाग भी होना चाहिए कि उनको क्या लेना देना, हमारी लाइफ हमारी होती है। तो ये सब जो है थोड़ा बहुत अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है सारे फोकस लाइट्स उनके ऊपर ही है, जो कि आजकल के लाइफ टाइम में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारे फोकस लाइट्स उनके ऊपर ही हो कि वो क्या कर रहे हैं और वो कब करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, नोबडी इज़ बॉदर्ड गाइज, वो लोग को ऐसा समझ में नहीं आता है। तो चलिए डिवाइन फेमिनिन की तरफ देखते हैं। डिवाइन फेमिनिन जो है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही है, डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा आराम कर रही है, अपने आप को मेडिटेट करके रिफ्रेश कर रही है। कभी तभी भी मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचते हो तब आप बहुत ज़्यादा टाइट अप फील करते हो, पर ये कोई बात नहीं होती, डिवाइन फेमिनिन ये बहुत टाइड अप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, टाइड हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि हम लोग टाइड अप रहे, हम वो सन है जो ब्राइटली अपनी लाइट शाइन करते हैं। बहुत सारी फीमेल्स को जो है सेक्रल चक्रा में हीलिंग हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पेन हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ओवरीज में पेन फील कर सकते हो, या आपका मंथली साइकिल चल सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये क्लेंजिंग और प्योरीफाइंग प्रोसेस एंड हीलिंग प्रोसेस चल रहा है उधर। तो जब आप ये रीडिंग आज देखोगे या जब आपको दिखाई देगा तब ये जो है आप जब दोबारा देखोगे, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग दोबारा भी देखने वाले हैं इस वीडियो को, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा, बहुत लोगों को इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, और यही इनर चाइल्ड इश्यूज़ आपको फोर्स करते कि बार 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 अपने पर्सन को एक चांस दे इस रिलेशनशिप में, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वर्थ जो है सेल्फ वर्थ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग में से बहुत लोगों को ब्राइट फ्यूचर की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा आप डिवाइन फेमिनिन सोच रही है कि ब्राइट फ्यूचर होगा, सन कार्ड है, लेकिन किस रास्ते जाए, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन इसी में कंफ्यूज हो चुकी है कि क्या डिसीशन लेना चाहिए इनको। इस बार अगर डिवाइन मैस्कुलिन ने अप्रोच किया तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको रिट्रीट करना चाहिए, क्या उनको उनके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, आप लोग अभी भी जो है उसमें कंफ्यूज हो गाइस। अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि आपको वेट करना है या मूव ऑन, तो मैंने अभी अभी एक पिकअप आइल बनाया, टाइमलेस है गाइस, जाके देख लीजिए कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन।
तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी उससे। तो चलिए हम डिवाइन फेमिनिन्स को यहाँ पे थोड़ा सा रैप अप कर देते हैं और जर्नी जो है हम देखेंगे गिल्डेड टैरो से और देखेंगे कि क्या निकल के आता है। मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की कंडीशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है लेकिन मेंटली स्टक दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आप लोग इस कनेक्शन के बारे में, इतना सोचना इज पॉइंट लेस गाइज। आप लोग को ये कनेक्शन के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको इनडिसिशन होता है और यही प्रॉब्लम है। आप लोगों को लगता है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते, तो अगर आपको जो है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो वो पिकअप आइल आप लोग के लिए ही है गाइज, जाके देख लीजिएगा। चलिए गाइज हम लोग थोड़ा सा जर्नी पर फोकस कर देते हैं, देखते हैं जर्नी के लिए आज क्या कार्ड निकलते हैं। कहाँ जा रही है हमारी ये जर्नी, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के साथ या हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से दूर, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होने वाला है, अभी क्या आ रहा है मार्च में इस जर्नी में, वो पूरा मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें देखना चाहिए। ओके तो मैजिशियन आ रहा है, तो गाइज हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारा पावर और वर्थ रियलाइज होने के लिए टाइम आ चुका है। अब हम एक्शन कोई नहीं लेंगे हमारे पर्सन की तरफ, ना ही वो कोई एक्शन लेंगे हमारी तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो भी आ रहा है इज़ द सन फ्यूचर, मतलब ब्राइट आ रहा है मार्च में हमारे लिए मैजिशियन, और ये कार्ड जो है द सन कार्ड मुझे बहुत ब्राइट दिखा रहा है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। और डिवाइन फेमिनिन्स जो है बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील करेंगी, पर डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक फील करेंगे, स्पिल्ट मिल्क के ऊपर रोते हुए दिखाई देंगे, और मार्च में जैसे कि मैं बोल रही हूँ, और अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हुए दिखाई देंगे। ये लोग जो है सिर्फ वेट ही करते रहते हैं मुझे लगता है ऐसा कहीं ना कहीं, बट स्टिल हमें ईगो में इनको जज नहीं करना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन जो है प्रॉपर हायरोफिंड बनती हुई दिखाई दे रही है, तो मतलब आप जो है आने वाले टाइम में और भी वाइज और भी नॉलेजेबल, और भी आपको यूनिवर्स से डाउनलोड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को यूनिवर्स से डाउनलोड्स मिलेंगे, बहुत सारे लोग जो है आप में से मतलब आपको अपने जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप लोग इस फील्ड में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा टूल्स आपके हाथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये रहने वाला है बहुत ब्राइट, बहुत आप में से बहुत ज़्यादा लोग एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट लेंगे और सीखना चाहेंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो प्लैनेट्स और ये सब दिखाई दे रहे हैं तो मुझे एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा फील आ रहा है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल और ये सब स्पिरिचुअलिटी और ये सब में जाएंगे, आपको यूनिवर्स के नॉलेज में की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहने वाला है अभी, या तक कि आप थोड़ा बहुत फील करोगे कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करोगे, जहाँ से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पास ये सारे टूल्स हैं, आप उनके बारे में सीखोगे, उनको प्रैक्टिस करना चाहोगे अपने लाइफ में, और ये सब बहुत कुछ है जबकि डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपने ही ईगो में, अपने गुस्से में और अपने स्पिल्ड मिल्क के ऊपर रोते हुए और सही टाइम का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस मार्च मंथ में। देखेंगे गाइस, डिवाइन फेमिनिन के लिए काफ़ी सेलिब्रेशंस आने वाली है, डिवाइन फेमिनिन के घर में शादियां होने वाली है, पार्टीज होने वाले हैं, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स, एंजॉयमेंट, बहुत खुश नज़र आएंगी डिवाइन फेमिनिन, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।